बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के साथ सदस्यीय जांच समिति ने कल घटनास्थल पहुंचकर जांच की थी। जांच समिति गिरौदपुरी क्षेत्र के अमर गुफा में पहुंची और लोगों से बातचीत की। कांग्रेस जांच दल ने अमर गुफा पहुंचकर टीम ने घटना की बारीकी से पड़ताल की थी। और वहीं आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलौदाबाजार घटनास्थल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सभी विधायकों सहित घटनास्थल पर जाकर प्रत्यक्षदर्शियों से बात किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन की लापरवाही और शासन की सुस्ती का आरोप लगाते हुए इस घटना की सीबीआई जांच करने की मांग की है। बलौदाबाजार हिंसा में खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। हमारे विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में हमारे पार्टी के पदाधिकारी विधायक जो बलौदाबाजार में जो घटना घटी और कलेक्टर और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया, जला दिया गया, उसको देखने हम जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद जो स्थिति होगी फिर आपसे चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि सी डोहरे जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से अभी आ नहीं पाएंगे, शाम को उनसे मुलाकात होगी। बीजेपी ने भी अपना एक जांच दल गठित किया है। सरकार को जांच दल पास की तौर पर होना चाहिए, और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है? मंत्री की कमेटी भी कैसे तो सरकार करे? जो कार्रवाई हुई है कलेक्टर, सरकार की नाकामी के कारण से हो रहा है। और ये लिपा पोती करने की दाल दास की अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उसकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। पूरे प्रदेश या देश में पहली घटना होगी जिसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू धू कर जल गया और कलेक्टर एसपी पीछे दरवाजे से भाग गए। देखिए, वो सत्ता पक्ष वाले लोग कांग्रेस ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप है। जबकि वहाँ पहले से वहाँ आंदोलन हुआ है, सतनामी समाज का जैत खाम के साथ में उनने छेड़खानी की है। चाहे कोई भी समाज का हो, अगर समाज या धर्म के साथ में किसी को अधिकार नहीं है किसी को छेड़खानी करने का। और इन लोग कांग्रेस ऊपर आरोप लगा रहे हैं जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ही करा रहे हैं। जबकि कलेक्टर और वहाँ का एसपी मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होते हुए भी कलेक्टर और एसपी कार्यालय को खुद खड़े होकर जलाए हैं, तो इसमें सरकार निष्फलता है, खुद ही सरकार करा रहे हैं और आरोप कांग्रेस ऊपर लगा रहे हैं।